मनीष इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हुए हैं। मनीष, ये वही टाइम मैगजीन है जिसने 4 साल पहले जब बिहार चुनाव हो रहे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, तब एक आर्टिकल छापा था इंटॉलरेंस पर, प्रधानमंत्री मोदी को निशाना साधते हुए। 4 साल नहीं बल्कि काफी साल पहले, 5 साल पहले की बात है। ये वही टाइम मैगजीन है जिसने वो आर्टिकल छापा था, और उसने आज जिसने प्रधानमंत्री को डिवाइडर इन चीफ कहा है, वो मैगजीन जो बाइडेन के आते ही ऐसे सवाल क्यों खड़े कर रही है? देखिए निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं कि टाइम मैगजीन की जो हमेशा से एक एडिटोरियल पॉलिसी रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी को लेकर हमेशा एक आलोचक की रही है, नकारात्मक छवि पेश करने की रही है। टाइमिंग, तो ऐसी स्थिति में टाइम मैगजीन से ये उम्मीद करना, वॉशिंगटन डीसी से है, सत्ता के गढ़ से है, अमेरिका से। मनीष, टाइमिंग ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों लिखा इन्होंने? जी हाँ बिल्कुल, मैं वही आपको बोल रहा था कि टाइमिंग तो ये जरूर है कि सरकार बदलते ही वो अपने सुर दिखा रहे हैं टाइम मैगजीन वाले, लेकिन फिर वही बात है कि टाइम मैगजीन की पॉलिसी अलग है और अमेरिका एज ए स्टेट की पॉलिसी अलग है, मेरे पीछे जो व्हाइट हाउस है उसकी पॉलिसी अलग है। और एक बात और ध्यान रखनी होगी, इस बार पिछले बार या उससे पिछले बार की सरकारों और अब में अंतर यह है कि अब भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है उससे 10% ज्यादा ही सही अब अमेरिका को भारत की जरूरत है। मैं वो सारे अमेरिका को देखने का हमारा अंदाज और अमेरिका को भारत को देखने का अंदाज बहुत अलग है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।